हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ADL स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रो स्टैटिक का यूनिट फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि इसे बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। मतलब कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि इसे कोई वस्तु है तो उस पर एक कूलम आवेश रहना है, तो कितना, तो एक कूलम आवेश रहना है तो उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि क्यू बराबर जो होता है वो एन और ई होता है। तो यहाँ पर क्यू दिया जो है वह एक कूलम दिया हुआ है और एन हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। यही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना है। तो एन आप ज्ञात करिएगा तो हो जाएगा 1 बटा 1.6 × 10⁻¹⁹। और इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपको 6.25 × 10⁻¹⁸। यही आपका आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। और यह आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होगा। तो एप्सिलॉन आर बराबर यहाँ पर पूछ रहा है कि एप्सिलॉन आर बराबर होगा। तो एप्सिलॉन आर बराबर आपको पता होगा कि होता है एप्सिलॉन एम मीडियम मतलब माध्यम की परावैद्युतांक और बटा में होता है निर्वात की परावैद्युतांक। तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन एम और यहाँ पर एप्सिलॉन एम को जो है एप्सिलॉन ही रहने दिया है। एप्सिलॉन एम को क्या रहने दिया है, एप्सिलॉन ही रहने दिया है। तो यहाँ पर यही इसका जो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसको और अब मॉडिफाई करके लिखिएगा तो एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट और इनटू एप्सिलॉन आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो है चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लिया जाए कि कोई एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और यह दोनों के बीच की दूरी कितना है, यह दोनों के बीच की दूरी है आर है, कितना है, तो आर है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है ए बराबर के Q1 Q2 और बटा में होता है आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो होता है फोर्स जो होता है 1/r² के समानुपाती होता है। और इसको अगर और आप बढ़िया से लिखिएगा जैसे क्वेश्चन में आपको है, तो एक जो है r^-2 का समानुपाती हो जाएगा, r^-2 का समानुपाती हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का आपको पूछ रहा है कि मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो यहाँ जो जो आपको यूनिट दिया गया है वह कैपेसिटर से दिया गया है, किससे दिया गया है, कैपेसिटर से। तो जैसे कैसे होता है, तो C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी होता है। और अगर C को आप लिखिएगा तो यहाँ होता है फैराड में होता है, किस में होता है, फैराड में होता है। और यहाँ पर अगर एरिया है तो एरिया का जो है जैसे कि अगर आप यूनिट लिखिएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, काची हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा और एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और नीचे है डी, तो यह डिस्टेंस होता है, तो इसका जो आप यूनिट देखिएगा तो ये आपका एम हो जाएगा, तो एक एम से एक एम कट जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का जो है सिटी बीमा की मतलब यूनिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ फोर्स और बटा में मीटर हो जाएगा। और आप इसको लिखिएगा तो फोर्स यही आपका हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, ये साफ साफ दिख रहा होगा कि एफ इंटू एम के पावर माइनस वन, तो इस पांच का जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होता है। तो मुक्त आकाश यानी कि एप्सिलॉन नोट, तो क्या एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट का आपको जैसे कि पूछ रहा है कि इसका जो है मान कितना होगा, तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होगा वह कितना होगा, तो याद रख लीजिएगा 1.85 गुने 10 के पावर माइनस 12। और यहाँ यूनिट दो हो सकता है, या तो आपको हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हो जाएगा आपको, अभी हम इसे पिछले क्वेश्चन में बताएं कि इसका जो मात्रक होता है फैराड पर मीटर होता है, फैराड पर मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है यूनिट दिया हुआ है आपको फैराड पर मीटर में दिया हुआ है, तो इसका जो है से कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छः का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है कि एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में यानी कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो जैसे कि कह रहा है कि 1 कूलम्ब है एक, और इन निर्वात में किस में, तो कि निर्वात में, और यहाँ पर देखिएगा तो आप बोल दिया है समान आवेश, यानी कि यहाँ भी 1 कूलम्ब होगा, जहाँ चार्ज होगा 1-1 कूलम्ब होगा। और इसमें जैसे कि बल लगाएगा, ये दोनों आपस में कितना बल लगाएगा ये पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि F बराबर होता है Q1 Q2 और बटा में R2, यही तो फॉर्मूला होता है। और K का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, और यहाँ पर 1 कूलम्ब है, तो 1 कूलम्ब आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दूरी कितना है, तो 1 मीटर है, तो 1² हो जाएगा। अब कुल मिलाकर आपका फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। और जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। अब इसको पता करते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई हमारा एक वस्तु है, और जब इस पर मान लिया जाए कि इसको हमको ऋण आवेशित करना है, क्या चीज़ करना है, ऋण आवेशित इसको हमको करना है। तो जब आप इसको ऋण आवेशित करिएगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करिएगा, दीजिएगा इस पर, बाहर से इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तभी ना ऋण आवेशित होगा। तो हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपको अगर पता हो तो होगा 9.1 × 10⁻³⁹।
तो जैसे हम कोई वस्तु को ऋण आवेशित कर रहे हैं तो कुछ न कुछ हम द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का हम जो द्रव्यमान होता है वह वस्तु पर हम दे रहे हैं। तो जब हम ऋण आवेशित करेंगे, जब निगेटिव चार्ज करेंगे इसको, तो जो द्रव्यमान का चीज हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब निगेटिव चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यानी कि द्रव्यमान को भी निकालेंगे, तो द्रव्यमान का चीज हो जाएगा तो घट जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है। बढ़ेगा कब, जब उसको ऋण आवेशित किया जाता है, और घटेगा कब, जब उसको धन आवेशित किया जाता है। तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व नहीं है। तो आप जैसे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़े होंगे कि जैसे क्यू बराबर प्लस माइनस एन ए, तो यह कहता है कि कोई भी वस्तु पर हम एन जो होता है, एन बराबर होता है वहाँ 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट यही रहता है। तो जब आप मतलब कोई भी वस्तु को आप या तो आवेशित कीजिए, आवेशित करिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज यानी कि 1.6 गुने 10^-19 में आप, या एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस यह हो गया और इसका पूर्ण गुणज, या तो आप 1 से गुना कर सकते हैं, 2 से करते हैं, 3 से या 4 से। तो कोई भी वस्तु जैसे मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, तो इसको पर हम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन हम आवेश दे सकते हैं। आप ये नहीं करिएगा कह सकते हैं, आप ये नहीं कहिएगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जो है इसको पर, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में जो है यह एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है। जैसे आप 16 को देखिएगा तो 1 से गुना करेंगे 1.6 × 10^-19 में, तो ये आपका इतना आ जाएगा। आप देखिए 32 लाना है हमको, तो 1.6 में 2 से गुना करेंगे, और 64 लाना है तो 1.6 में हम 4 से गुना करेंगे, और लेकिन 24 1.6 में गुना करने से किसी संख्या से नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परावैद्युत का एसआई मात्रक, देखिए फिर से वही बात आ गई कि परावैद्युत का एसआई मात्रक यानी कि एप्सिलॉन नोट का आपको बीमा पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछ। तो यह हम पहले भी बताए हैं कि कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है कि यूनिट हो जाता है, और जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है, कूलम्ब सी स्क्वायर और बटा में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विकृत होता है। तो देखिए जब हम मान लीजिए कि यह जो है मतलब यह एक मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई पदार्थ है, तो जब आप इसको पर चार्ज दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज दीजिए चाहे निगेटिव चार्ज दीजिए, तो यह जो है वस्तु के सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो कहाँ फैलता है, तो वस्तु के सतह पर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 12 कर रहा है कि r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और यहाँ पर कोई आवेश Q है, यह दोनों r दूरी पर है, तो इस पर F बल लगता है। आगे कहता है कि यदि आवेशों का मान दोगुना, तो जैसे Q है तो यहाँ पर 2Q कर देना है, तो उनके बीच और दूरी को क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो उनके बीच बल पूछ रहा है। तो ऐसे जो बल लगेगा, अभी जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो के क्यू क्यू और बटा में आर स्क्वायर। और जब हम दोगुना कर देंगे चार्ज को, दोगुना और लंब दूरी को आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए एफ डैश हो जाएगा आपको के, अब यह क्यू की जगह पर
क्यू हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा, और यहाँ आर बटा टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि हमको बोला है कि दूरी को आधा कर देना, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा एफ डैश बराबर, यहाँ से दो का स्क्वायर करेंगे तो चार हो जाएगा, और ऊपर चार तो गुना होकर क्या चीज़ हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, और के क्यू और क्यू और बटा में आर स्क्वायर, और इसका जो मान है किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो एफ डैश जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 16 एफ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 16 एफ के बराबर हो जाएगा आपका। तो यही तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल तो केंद्रीय बल, विद्युत बल और सी ए तथा बी दोनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। अब देखिए कि कूलम्ब बल, जैसे आप इसका जो कूलम्ब बल के बारे में जानते होंगे कि ए बराबर के क्यू वन क्यू टू और बटा में आर स्क्वायर होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जिसके बटा में जैसे कि आर स्क्वायर होता है, जिसके बटा में आर स्क्वायर होता है तो उसका जो वह हमेशा केंद्रीय बल होता है, कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल, और यहाँ पर आर भी हो सकता है, आर स्क्वायर भी हो सकता है, और आर में जैसे के क्यू बटा आर पढ़े होंगे आप किसका, तो वोल्टेज का होता है, तो वोल्टेज भी यह एक केंद्रीय यह बल तो नहीं होता है, लेकिन यह भी एक केंद्रीय जैसा ही होता है क्योंकि नीचे में इसका आर है, तो यह क्या होगा, जो कूलम्ब बल है केंद्रीय बल तो होगा। अब चलिए आप अब है विद्युत बल, तो जो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा में आर स्क्वायर जो होता है, यही तो होता है आपका कौन सा बल, के होता है विद्युत बल, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एक कूलम्ब आवेश, तो एक कूलम्ब आवेश में आपको पता रहना चाहिए कि एक कूलम्ब जो है आवेश में जो मान होता है 3×10⁻⁹ आपका जैसे कि 9 ई एस यू होता है, यही तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो जैसे कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर देना है तो लगने वाला बल, आप जानते होंगे कि जो एफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के होता है, तो यहाँ पर दूरी को क्या बोल रहा है कि आधा कर देना है, तो आप जब दूरी को आधा करिएगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर बाई टू हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, तो आप इसको आप देखिएगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर हो जाएगा, ये दो का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आपका जो बल हो जाएगा वह कितना गुना हो जाएगा, तो चार गुना हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, तो देखिए तो जब आप कांच मान लीजिए कि कांच का कोई रॉड है तो जब इसको आप यह कांच का कोई रॉड है तो जब इसको सिल्क के कोई कपड़ा है तो उसको रगड़ा जाता है तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो यह कब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यह जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी तो यह पॉजिटिवली चार्ज होगा। तब इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जब इलेक्ट्रॉन यह त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो
मतलब ये साफ बात है कि यह इलेक्ट्रॉन जो देगा शुद्ध किसको देगा, तो सिल्क को देगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा कि सिल्क को इलेक्ट्रॉन यह देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है। तो जब किसी पिंड को ऋण आवेशित, तब जैसे मान लिया जाए कि यह एक कोई वस्तु है, तो यह ऋण आवेशित कब होगा? जब हम इसको पर क्या करेंगे, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ जो होता है केजी होता है। तो इतना केजी तो हम द्रव्यमान इसको देंगे ना। तो जब इसका जो है कि ये तो द्रव्यमान की बात होगी। अच्छा चलिए, जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे कोई वस्तु को, जब हम ऋण आवेशित करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार के मध्य के बलों का अनुपात ए वायु में, बोल रहा है कि पहले जो है कि वायु में और के परावैद्युतांक मात्रक में होता है। तो आपको पता होगा कि जो है कि ए बराबर के, यह होता है कि ए निर्वात में जो होता है फोर्स होता है, वो माध्यम में फोर्स जो होता है और उसका जो जितना परावैद्युतांक होता है उसका बटा में होता है। तो यहाँ पर के परावैद्युतांक है, तो ये होता है। तो जब इसको आप, यही तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो एफ बटा क्या चीज हो जाएगा, पहले बोला है वायु में फिर के परावैद्युतांक में, तो एफ बटा एफ एम बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 1/k हो जाएगा, यानी कि 1/k आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे तथा एल्यूमिनियम के दो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए। जैसे एल्यूमिनियम और तांबा के दो एक समान मतलब चालक है, उसको एक समान विद्युत, तो एल्यूमिनियम पर प्रेरित आवेश का मान होगा। तो यह जो है कि जब आप कोई वस्तु को रखिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह जो है जैसे कि तांबा है या एल्यूमिनियम है कि लोहा है या प्लेटिनम है, सब पर एक समान जैसे कि प्रेरित होता है। जो आवेश है सब पर एक समान होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, तांबे के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक धातु के ठोस अलग अलग गोलाकार पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो गोलाकार पर आवेश का वितरण होगा। तो यह हम पहले भी बता चुके हैं कि जब मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, तो जब उसको हम प्लस चार्ज देंगे या माइनस चार्ज देंगे, तो वह यूनिफॉर्म रूप से कहाँ फैल जाता है, तो सरफेस पर, और क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक समान किंतु पृष्ठ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आप पहले से जानते होंगे तो आपको कितना स्कोर हुआ वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को जोड़िए, और ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।